लगातार लाइव में स्वागत है आपका। आज़ादी के लगभग 70 दशक बाद भी आज भी हम उपराजधानी के ऐसे गांव को आपको दिखाएंगे जहां के लोगों को पीने का शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, उन्हें झरना चुरका या गड्ढे का पानी पीना पड़ रहा है। और अभी जिस तरह का भीषण गर्मी है, जल समस्या का जो स्थिति है हर गांव में है। ये पहाड़िया गांव है और हम यहाँ की जो महिलाएं हैं इस गांव में जो पानी लेने के लिए, कौन गांव है आपका, गांव का नाम क्या है? अमलागढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? अंजलि देवी। कितना दिक्कत हो रहा है पानी का, कहाँ से आप लोग पानी पीते हैं? झरना से, कच्चा कुआं से पी रहे हैं। तो गांव में और पानी का कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है? चापाकल वगैरह नहीं है? नहीं है। आपका क्या नाम है? ममता देवी। आप लोग भी यहीं से पानी ले जाते हैं? जी, यहीं से ले जाते हैं, इसी गड्ढा से ले जाते हैं। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, धूप में भी ढोके ले जाना होता है पानी। चापाकल नहीं है, टंकी नहीं है, हम लोग का गांव में बहुत तकलीफ होता है पानी के लिए। कितना दूर है गांव यहां से? गांव है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक किलोमीटर है। एक किलोमीटर रास्ता है जाने का यहां से? वही थोड़ा सा गजड़ जैसा रास्ता है, रास्ता भी नहीं है, जंगल जैसे रास्ता से जाना पड़ता है। और आपका इधर पे बीमारी सब इस तरह से फैल रहा है, उसमें पानी का कितना क्या? इसी पानी पी के हम लोग का जॉन्डिस टाइफाइड वगैरह हो जाता है, गड्ढा का पानी पी के। गांव में किसी को जॉन्डिस टाइफाइड हुआ है? हाँ, हुआ है। कितना लोग को हुआ है? सभी लोगों को हुआ है, यहाँ बच्चा बड़ा सबको हुआ है। लगभग सबको हुआ है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि गाँव में लगभग जॉन्डिस और टाइफाइड हर घर में हुआ है, क्षेत्र में जॉन्डिस और जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें जॉन्डिस और टाइफाइड बीमारी का जो है लगातार पेशेंट मिल रहा है। हम ये कहेंगे इसमें अशुद्ध पानी, जो ये लोग शुद्ध पानी नहीं पी सक रहे हैं। आप देख सक रहे हैं कि अगल बगल का जो एरिया है गंदगी है। हमें सब गांव के ही एक युवा हैं, तो आपके गांव में बीमारी का क्या कंडीशन है अभी? कंडीशन सर, हम लोग का जो है ये कच्चा कुआं का पानी पीने के कारण जो है जॉन्डिस टाइफाइड ब्रेन ये सब हम लोग का जो है बीमारी पकड़ता है सर। ब्रेन मलेरिया भी जी? फिर हाल में हमको भी हुआ था टाइफाइड सर, मोटा मोटी ठीक होके जो 2-4 दिन हो गए हम। तो पीने का पानी का कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। दिए हैं आप लोग सर किसी को? हाँ सर, दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र आहारे। जैसे राजेंद्र आहारे जो है हमको कुआ था, राजेंद्र आहारे जो बता रहे थे कि ये लोग लिख करके भी दिए हैं, लेकिन ये एक दुर्भाग्य है कि जल जंगल जमीन की बात करने वाली जो सरकार है और पूर्व की सरकार है, हम बोले किसी भी सरकार ने इनके समस्या को लेकर के सीरियसनेस नहीं दिखाया है। आज भी ये लोग गड्ढे चुरका और कच्चे कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। समस्याएं हैं और समस्या के समाधान के लिए सरकार उदासीन है। लगातार के लिए रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।